हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। आप सभी को दीपावली की ढेर सारा शुभकामना। तो चलिए, आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में लक्ष्मी पूजा। सिंपल और आसान तरीके से लक्ष्मी पूजा भी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप लोग वीडियो में कंटिन्यू देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लाल कपड़ा बिछा दिए हैं और उसके बाद लक्ष्मी माता का फोटो या मूर्ति जो भी है आपके पास, लक्ष्मी माता को स्थापित कर दिए हैं यहाँ पर। और ऊपर से चुंदरी डाल दिए हैं और यहाँ माला भी पहना दिए हैं। आप चाहे तो फूल के भी माला पहना सकते हैं। पासा के नीचे चावल रखेंगे। चावल डालने के बाद कलशा रखेंगे और यहाँ पर स्वास्तिक चिन्ह बना दिए हैं, तो स्वास्तिक चिन्ह बना सकते हैं। और यहाँ कलावा भी बांध दिए हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे पान सुपारी। तो यहाँ पर हम कलशा में रखे हैं कसेली, पैसा, सिक्का वाला पैसा, गंगा जल, ये सब डाल के ऊपर से हम नारियल डाल दिए रख दिए हैं और नारियल में हम टीका लगा देंगे। तो यहाँ नारियल में भी टीका लगा दिए हैं। उसके बाद यहाँ लक्ष्मी माता को फूल चढ़ाएंगे। यहाँ लक्ष्मी माता को फूल चढ़ा दिए हैं और उसके बाद गणेश जी के जनेऊ चढ़ाएंगे। उसके बाद माता को खोइचा भरेंगे, चावल, बतासा, मिठाई। आप चाहे तो धान का जो लावा आता है उसे भी खोइचा भर सकते हैं। तो यहाँ पर हम माता के खोइचा भर देंगे। हम लोग जहाँ गांव में रहते थे वहाँ पूजा करते थे या मम्मी करती थी, तो वहाँ पर देखते थे अरवा चावल से ही माता के खोइचा भरा जाता है। कहीं कहीं पे धान की जो लावा रहता है उसे भी भरते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसमें हल्दी रख देंगे। गांठ वाला हल्दी है तो भी डाल सकते हैं, नहीं है तो पैकेट में जो पीसा रहता है वो भी एक चुटकी डाल सकते हैं चावल में। और आपके पास जो धुरवा रहता है, दूभी घास वाला जो धुरवा आता है, वो भी डाल सकते हैं आपके पास है तो माता के खोइचा में। अब हम माता को लक्ष्मी मैया के हम फूल के माला पहनाएंगे, क्योंकि ये माला तो पहनाए हुए फिर भी फूल के माला पहना देते हैं। लक्ष्मी माता को हम यहाँ फूल के भी माला पहना दिए हैं और हम गणेश जी को लक्ष्मी माता को रोली से टीका लगाएंगे। तो यहाँ पर हम दीप जला दिए हैं और फल फूल चढ़ाएंगे। जो भी आपके पास फल उपलब्ध है वो चढ़ा सकते हैं। ऐसे तो केला और सेब चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम माता को भोग लगा देंगे, फल चढ़ाएंगे।
तो यहाँ पर हम लक्ष्मी माता को फ्रूट चढ़ाएंगे, जो भी आपके पास उपलब्ध है वो चढ़ा सक। यहाँ पर हम माता को मिठाई के भी भोग लगा देंगे, जो भी मिठाई आपके पास है उससे हम माँ को भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हम हाथ में फूल लेंगे और जल लेंगे, माता को गणेश जी को हम स्नान कराएंगे, छींटा मारेंगे 3 बार। अब हम लक्ष्मी माता को धूप दिखाएंगे, क्योंकि एक हाथ से फोन पकड़े हुए तो बन नहीं रहा है। इस तरह से माता को हम धूप दिखा देंगे। उसके बाद अब हम माता के कथा सुनेंगे, लक्ष्मी माता के। तो कथा सुनने के बाद आरती दिखाएंगे। अब हम लक्ष्मी माता की कथा सुन लेंगे। आप मोबाइल से भी सुन सकते हैं, नहीं तो आपको आता है तो बुक से भी पढ़ के सुन सकते हैं, किसी से भी सुन सकते हैं, नहीं तो आप खुद ही पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम खुद ही कथा पढ़ के सुना रहे हैं। महालक्ष्मी व्रत पैरानी काल से मनाया जाता है। अब हम लक्ष्मी माता के कथा सुनेंगे। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से श्री विष्णु का पूजन करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और अपनी मनोकामना मांगने को कहा। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में हो ऐसी इच्छा जाहिर की। यह सुनकर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का सरल उपाय ब्राह्मण को बताया। इस तरीके से आप कथा सुन सकते हैं, नहीं तो मोबाइल से भी सुन सकते हैं, नहीं तो कोई है तो उनसे कथा सुन सकते हैं बुक से। चलिए अब माता के आरती करेंगे। कथा सुनने के बाद माता को आरती किया जाता है। तो यहाँ लक्ष्मी मैया की आरती भी दिखाती है। तो उसके बाद हाथ में थोड़ा सा चावल लेंगे, फूल लेंगे और लक्ष्मी माता से क्षमा मांगेंगे। तो यहाँ देखिए हाथ में थोड़ा सा चावल लेंगे, फूल लेंगे और माता से क्षमा मांगेंगे। हे लक्ष्मी माता, मेरा पूजा स्वीकार कीजिए। अगर कुछ गलती हो गया हो मुझसे तो क्षमा कर दीजिएगा। तो इस तरह से माँ से क्षमा मांगेंगे। और उसके बाद लास्ट में माता को प्रणाम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने जो स्टील के बर्तन खरीदे थे वो चढ़ा दिए हैं। जो भी आपके पास बर्तन खरीदते हैं, गहना खरीदते हैं, वो सब यहाँ चढ़ा सकते हैं। जो है आपके पास उसी से पूजा कर लीजिए। माता तो दयालु है, क्योंकि माता सभी के पूजा स्वीकार करते हैं। ये नहीं जी हम कैसे पूजा करिए, जो भी है आपको जितना है उतना ही में आप लक्ष्मी माता को पूजा कर सकते हैं। और यहाँ पर आप 5 दिया जलाकर साइड में रख सकते हैं, नहीं तो आपके इधर जैसे परंपरा है वैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा लक्ष्मी माता का पूजा कैसा लगा आप लोग को तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।